अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम टू योर फेवरेट कुकिंग चैनल फूड लर्नर्स। मैं हूँ आपकी होस्ट इरम फाहद। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ रोस्टेड क्वेल विद वेजिटेबल्स की। बहुत मज़ेदार बनती है ये, सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है, आप ऑन एंड ऑफ इसे बनाते रहिए। चलें इंग्रीडियंट्स की तरफ बढ़ते हैं। रोस्टेड क्वेल के लिए हम लेंगे आधा किलो क्वेल स्किन के साथ, इसे हम कट्स लगा लेंगे, डीप कट्स। उसके साथ हम लेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी लेंगे 1/2 टीस्पून, लाल पिसी हुई मिर्च 1/2 टेबल स्पून, वाइट विनेगर लेंगे हम 1 टेबल स्पून यानी कि सिरका, नमक लेंगे हम 1/2 टीस्पून, उसके साथ सोया सॉस लेंगे 1 टेबल स्पून, चिली सॉस लेंगे 1/2 टेबल स्पून, फूड कलरिंग ऑप्शनल है 1 टीस्पून लेंगे, योगर्ट 3 टेबल स्पून लेंगे। अब क्वेल को हम जिसमें भिगोएंगे ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो, उसके लिए हम लेंगे 3 टेबलस्पून सिरका, 1.5 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। चलिए सबसे पहले हम क्वेल भिगो लेते हैं। इसमें हम सबसे बिग बोल लेंगे, उसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और सिरका डाल के मिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम सारी क्वेल्स भिगो देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे से ऊपर नीचे आप रख सकते हैं। 1 घंटे बाद हम इसका पानी फेंक देंगे और उसको हम टैप वाटर से वॉश करके अच्छे से और एक छन्ने में डाल के रख देंगे। अब हम क्वेल को एक प्लेट में रखेंगे, एक एक करके उसको हम लोग फूड कलर में कोट कर देंगे। फूड कलर में इसलिए कोट करते हैं ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए, जब हम पकाएंगे तो वो बहुत प्यारा सा कलर देगी, एकदम फीका फीका कलर नहीं होगा। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं सारे कोट कर लूँगी। अब हम मसाला बना लेते हैं। दही लेंगे, उसके अंदर हम धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे, लाल पिसी हुई मिर्च डालेंगे, चाट मसाला, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका और नमक। इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अच्छे से रख दिया है। अब हम क्वेल लेंगे और उस क्वेल को हम पेपर टॉवल की मदद से पैट ड्राई कर लेंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। पानी ड्राई इसलिए करते हैं ताकि जो भी मसाला हम इस पर लगाएं वो उस पर स्टिक हो जाए अच्छे से। देखिए इसको ड्राई कर लिया है। अब हम ये जो मसाला बनाया था ये मसाला लेंगे और क्वेल के ऊपर अच्छे से कोट कर देंगे। उंगली की मदद से हम इसके जो कट्स लगाए थे उसके अंदर भी हम अच्छे से मसाला डाल देंगे ताकि मसाला अच्छे से लग जाए। ये देखिए सब पे मसाला लगा लिया है। इसको हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे, कम से कम ओवरनाइट करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम लेंगे 6 से 8 बेबी पोटैटोस और 6 से 8 बेबी अनियंस। एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे, साथ हम डालेंगे क्वेल्स, साथ हम डाल देंगे बेबी पोटैटोस और साथ ही हम डाल देंगे बेबी अनियंस और इसको हम ढक देंगे, धीमी आंच पर पका देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम ढकना हटाएंगे और क्वेल की साइड हम लोग टर्न कर देंगे, वेजिटेबल्स को भी ऊपर नीचे कर देंगे ताकि जले ना कुछ भी। तो और फिर हम दोबारा से इसका ढकना ढक देंगे मज़ीद 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, इसको हम तेज़ आंच पे ड्राई कर लेंगे। ये देखिए पानी भी ड्राई हो गया है। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। कितने मज़ेदार सी रोस्टेड क्वेल रेडी हो गई है। देखिए फूड कलर की वजह से कितना अच्छा कलर लग रहा है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और रिक्वेस्ट डू लेट मी नो। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।